हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम यू प्रीवियस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए फ्रेंड। इसे फर्स्ट पॉइंट दिया है आपकी स्क्रीन पर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक संभावित लक्षण क्या होता है? फ्रेंड्स, से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक प्रभावित लक्षण होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सेकंड पॉइंट दिया है, ऑप्टिक तंत्रिका कौन सी कपाल तंत्रिका का भाग है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है ऑप्टिक तंत्रिका कौन सी कपाल तंत्रिका का भाग है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। थर्ड पॉइंट दिया है, आईवीपी का उपयोग किस अंग में स्टोन का पता लगाने में किया जाता है? ए है गुर्दा, बी है अंडाशय, सी है गर्भाशय, डी है अग्नाशय। आईवीपी का उपयोग किस अंग में स्टोन का पता लगाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फोर पॉइंट है, विटामिन के इंजेक्शन देने का क्या प्रभाव होता है? फ्रेंड से पढ़े इसका आंसर होता है। ऐसे पूछा है विटामिन के इंजेक्शन देने का क्या प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। फिफ्थ पॉइंट है, एलपी रोगी को बाद में किस स्थिति में रखी जानी चाहिए? पी रोगी को बाद में किस स्थिति में रखी जानी चाहिए? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर। जैसे पूछा है कि एलपी रोगी को बाद में किस स्थिति में रखनी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सिक्स पॉइंट दिया है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? जीवन बीमा से, फसल बीमा से, सी है स्वास्थ्य बीमा से, एंड डी है दुर्घटना बीमा से। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, स्वास्थ्य बीमा से। सेवेंथ पॉइंट है, भारतीय महिलाओं में सबसे अधिक कौन सा कैंसर पाया जाता है? ए है ब्रेस्ट कैंसर, बी है सर्वाइकल कैंसर, सी है लंग्स कैंसर, एंड डी है स्किन कैंसर। भारतीय महिलाओं में सबसे अधिक कौन सा कैंसर पाया जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। तो पॉइंट है, कोपोसिस सार्कोमा किस रोग में पाए जाते हैं? कोपोसिस सार्कोमा किस रोग में पाए जाते हैं? मेनिनजाइटिस, मीजल्स, एड्स या रोमेंटिक फीवर। कोपोसिस सार्कोमा किस रोग में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, एड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, CD4 किस रोग में किया जाता है? CD4 किस रोग में किया जाता है? एड्स, बी है लिवर एप्सिस, सी है हेपेटाइटिस, एंड डी है डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर ए है, एड्स। टेंथ पॉइंट है, हर्पस का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। इलेवेंथ पॉइंट है, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रवित होता है?
प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रवित होता है? फ्रेंड्स को बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए है। 12 पॉइंट दिया फ्रेंड, परिपक्व ओवम में क्रोमोजोम्स कितना रहता है? ए है 22 पेयर्स, बी है 23 पेयर्स एंड सी है 21 पेयर्स एंड डी है 24 पेयर्स। परिपक्व ओवम में क्रोमोजोम्स कितना रहता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 13 पॉइंट है, गर्भ की जांच के लिए यूरिन सैंपल कब तैयार किया जाता है? मैं इसे पढ़े और इसका आंसर बताए। इसे दिया है कि गर्भ के जांच के लिए यूरिन सैंपल कब तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर ए है, सुबह। 14 पॉइंट है, प्रथम गर्भ स्पंदन कितने सप्ताह में महसूस होता है? 14 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स एंड डी है 15 वीक्स। प्रथम गर्भ स्पंदन कितने सप्ताह में महसूस होता है? इसका राइट आंसर सी है। 15 पॉइंट है, शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा कि शरीर में ऊतकों के ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 16 पॉइंट है, टोटल टार्सल बोन कितने होते हैं? 14, 10, 16 या 12? टोटल टार्सल बोन कितने होते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 17 पॉइंट है, प्लीहा निम्न में से किसे उत्पादित करती है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि प्लीहा निम्न में से किसे उत्पादित करती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 18 पॉइंट है, गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 19 पॉइंट है, निम्न में से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 20 पॉइंट दिया है, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है? गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है फ्रेंड? इसका राइट आंसर ए है। फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।